हाँ, शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही थी, उसमें पर्स स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग शामिल है। दो आरोपियों को हमने डिटेन किया, गिरफ्तारी की है। उन्होंने कुल लगभग 9 वारदातें हमें बताई हैं, उसमें चेन स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग। किशनगंज थाना पुलिस को मिली कामयाबी, चैन स्नैचर गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों ने कबूल की 9 वारदातें, सिंधु भवन पंचशील से लूटी गई चैन की बरामद। शहर में लगातार बढ़ती चैन स्नैचिंग व पर्स लूट की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट द्वारा दिए गए निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, सीओ नॉर्थ छवि शर्मा के निर्देशन में क्रिश्चनगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने सीसीटीवी फुटेज, आस उपचुनावों के संकलन और मुखबिर से मिली इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। दोनों शातिर किशनगंज थाना क्षेत्र सहित शहर के अलग अलग इलाकों में राह चलती महिलाओं के गले से चैन व पर्स लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में सोनू नायक पुत्र रामलाल नायक गांधीनगर किशनगढ़ व गणेश प्रजापत पुत्र नौरतमल प्रजापत गांधीनगर किशनगढ़ रहने वाले हैं। दोनों ने 9 वारदातें करना कबूल किया है। गणेश प्रजापत के खिलाफ पूर्व में अलग अलग थानों में 4 प्रकरण दर्ज हैं। दोनों को रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी, साथ ही लूटा गया माल बरामद करने के प्रयास किए जाएंगे। पकड़े गए आरोपियों से 11 जुलाई को पंचशील में सिंधु भवन के पास एक महिला के गले से तोड़ी गई सोने की चेन तो बरामद कर ली गई है, वहीं एक चेन आरोपियों ने लूट कर मुथुट फाइनेंस में गिरवी रखी है, जहाँ से उसे बरामद किया जाएगा। इसके अलावा अलवरगेट थाना क्षेत्र, रामगंज थाना क्षेत्र, किशनगंज थाना क्षेत्र में अलग अलग कई वारदातें करना कबूल किया है। आरोपियों से वारदात के काम में ली गई मोटरसाइकिल होंडा ड्रीम युगा भी बरामद कर ली गई है। देखिए, शहर में लगातार चैन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही थी, उसमें पर्स स्नैचिंग और चैन स्नैचिंग शामिल है। इसके ऊपर थाना किशनगंज की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है, लगातार टीमें गठित की हुई थी और वो वर्क कर रही थी इसके ऊपर, जिसमें हमें किशनगंज थाने को इसमें सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 2 आरोपियों को हमने डिटेन किया, गिरफ्तारी की है। उन्होंने कुल लगभग 9 वारदातें हमें बताई हैं, जिसमें चैन स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग है। मुलजिमान जिन्होंने ये वारदातें की हैं, जिन्होंने गैंग बना के इसे ऑपरेट किया करते थे, उसमें सोनू नायक पुत्र रामलाल नायक जो 25 साल का है और किशनगढ़ का रहने वाला है, और दूसरा है गणेश प्रजापत और सन ऑफ नौरतमल प्रजापत है जो बजरंग कॉलोनी किशनगढ़ का ही रहने वाला है। इन्होंने जो वारदातें बताई हैं, थाना किशनगंज की बताई हैं 6 वारदातें, 2 वारदातें बताई हैं अलवरगेट थाने की और 1 रामगंज थाने की बताई है कि इनके द्वारा चैन स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग की गई थी। इसमें मुख्य तौर पर किशनगंज थाने की 6 माह पूर्व हरिबाऊ उपाध्याय नगर में सोने की चैन महिला की तोड़ी थी, जिसमें उसका एक चैन का टुकड़ा ही इनके हाथ में आया था, बाकी चैन वहीं रह गई थी। उसके अलावा 1 माह पूर्व हांडी रेस्टोरेंट के पास गले में सोने की चैन तोड़ना कबूल किया है। तीसरा, इन्होंने सिंधु भवन के पास एक चैन तोड़ी थी, वो बरामद की है हमने। इसके अलावा 2 माह पूर्व मंगलम फ्लैट्स में महिला का पर्स छीना था। 15 दिन पहले लगभग शिवशंकर डेयरी के पास महिला का पर्स छीना था। 4 माह पूर्व झलकारी बाई गार्डन के पास एक पर्स छीनने की बताई है। रामगंज थाना में 1 साल पूर्व चैन स्नैचिंग की एक वारदात इन्होंने बताई है, रिकॉर्ड जो साई बाबा मंदिर के पास है। इसके अलावा 1 साल पहले भजनगंज पुलिस थाना अलवरगेट में है और 8 माह पूर्व 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास एक चैन तोड़ने की वारदात उन्होंने बताई है, जिसमें इनके पूर्व में जो आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, गणेश प्रजापत के खिलाफ पूर्व में 4 प्रकरण ऐसे ही दर्ज हैं जिसमें इसी तरीके की उसने वारदातें की थी। दूसरे के खिलाफ अभी प्रकरण दर्ज नहीं हुए, उसका आपराधिक रिकॉर्ड 0 था। और भी कोई ये दोनों अकेले करते? देखिए, दोनों ये मोटरसाइकिल पर आते थे और जहाँ सोने रोड थे और महिला अकेली इनको मिलती थी, वहाँ इस तरह की वारदात किया करते थे। तो हमारी टीम ने इनका लगातार पीछा किया, सीसीटीवी फुटेज, अन्य तकनीकी अनुसंधान से इनको राउंडअप किया, इनको अरेस्ट किया और इनका रिमांड ले रहे हैं, और पीसी रिमांड के बाद अन्य कोई वारदातें होंगी उनके बारे में खुलासा किया जाए। ठीक।